वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल. मैं हूँ कृतिका और आज दिन काफ़ी अलग होने वाला है. चीज़ें काफ़ी पहले से प्लान्ड है तो मैंने सोचा अब सुबह से जल्दी उठ गई हूँ तो आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ. वैसे अभी सुबह नहीं हुई है, सुबह से मैं उठ के ऑफिस के काम में लग चुकी थी. आज मैंने सुबह का शो भी प्रोड्यूस किया, आफ्टरनून शो भी प्रोड्यूस किया. साथ में वीकेंड का टाइम आने वाला है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, तो तीन दिन का काम एडवांस में करना है क्योंकि गणेश चतुर्थी की छुट्टी है. तो जल्दी से सुबह से उठ के सारे काम में लगी हूँ. कल भी बहुत ऑफिस का काम था लेकिन अभी थोड़ा सा विंडो मुझे मिला है तो मैंने सोचा चलो मैं अभी बालकनी में बैठी हूँ तो मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करती हूँ, ब्लॉग की इटली शुरुआत करती हूँ. वैसे आज मेरी हाउस हेल्प अभी तक आई नहीं है, एक बजने आ चुके हैं, तो मैंने काफ़ी सारी जो घर की चीज़ें हैं उसे अच्छे से ठीक से सेटअप कर लिया है. सो अगर वो लेट आएगी तो मेरा काम अच्छे से हो जाएगा. और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, आज हम लोगों की ट्रेन है बड़ौदा की. जनरली हम लोग हमेशा बाय रोड जाते हैं लेकिन इस बार क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं हम लोग बाय ट्रेन जाएंगे ताकि ज़्यादा थकान ना हो ड्राइविंग की. और सारी पैकिंग मेरी बाकी है, सारा काम मेरा बाकी है तो वो सब साथ में करेंगे. फिलहाल ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, आगे आगे देखते जाइए क्या होता है. हम लोग निकल चुके हैं और फटाफट अब पहुंचने वाले हैं स्टेशन के लिए थोड़ी देर में. विथ ऑल आर मास्क और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग ट्रेन की जर्नी करने वाले हैं. कैब मिलने में एक तो इतना प्रॉब्लम हो गया था, एंड मोमेंट पे दो कैब वालों ने कैंसिल कर दिया, फिर बड़ी मुश्किल से ये काली पीली मिली है. मीनवाइल स्काई आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है. मेरा नंबर है 32, जब मैं इसमें चढ़ने वाली हूँ. ट्रैवलिंग इन ट्रेन मास्क टीका कलेक्शन करे जा रहे स्टेशन पे. पसंद है पेपी तो क्या चार पैकेट क्यों लिए आपने? आपके लिए. एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आसपास जो लोग हैं वो लोग मास्क पहन के नहीं आए हैं. मैंने प्रॉपरली मास्क पहना है और बार बार अपने हाथ जो है सैनिटाइज कर रही हूँ. एकदम कंफर्ट में मैं आ चुकी हूँ और ट्रेन में इतने टाइम बाद बैठ के काफ़ी डिफरेंट सी वाइब आ रही है. आई एम नॉट श्योर ये जर्नी कैसी रहने वाली है लेकिन जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊँगी. अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आगे आगे देखते हैं कैसी रहती है जर्नी. हमारी जो ट्रेन है काफ़ी डीले हो गई थी, बाद में रास्ते में रुक गई थी और अब रात के 2 बजे हम लोग बड़ौदा पहुंच गए हैं फाइनली. अब घर जाएंगे, आराम से फ्रेशन अप होके नहा के सो जाएंगे क्योंकि ट्रेन की जो एक्सपीरियंस था मेरा ग्रेट नहीं था. काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बिना मास्क के घूम रहे थे तो मुझे काफ़ी स्ट्रेस भी है, तो जाके सबसे पहले मैं नहाऊँगी. बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज दोनों घरों में जो गणेश जी की स्थापना है वो होने वाली है. और अभी सुबह के 11:30 बजे हैं, प्रिपरेशंस जो है पूरी तरीके से ऑन हो चुकी है. अच्छे से जो सजाने का काम है वो हम सब कर रहे हैं और चीज़ें जो है एक साथ रखी हुई है. मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी अभी रेडी हो चुकी है और किस हिसाब से इन सब चीज़ों की तैयारी की जाएगी. वैसे हम लोग हमेशा इको फ्रेंडली बप्पा जो है उन्हीं की स्थापना करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या जो चीज़ें हैं वो रेडी करके रखी है. फ्रूट्स जो है ये रेडी कर लिया है, पूजा की थाली जो है वो पूरी तरीके से रेडी की गई है. यहाँ पर हैं गणेश जी के फेवरेट मोदक और यहाँ पर है आरती की सारी चीज़ें. देखिए अभी ये कितना सोना लग रहा है, जब गणेश जी आएंगे तो बेहद खूबसूरत लगेगा. सो यहाँ पे वाह कितने प्यारे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं. बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे. चलिए अब इन्हें स्थापना करते हैं. पापा लेंगे ना, तुम भी साथ में खड़े रहो. गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया,
मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे, गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। पूजा हो चुकी है और मम्मी यहाँ पे है, बुलबुल भी यहाँ पे है, जो सोच रही थी मैं उसको बाद में लूंगी लेकिन अभी भी मैं लूंगी। मम्मी आपने पहली बार गणेश जी की स्थापना की है, सो क्या फील हो रहा है एग्जैक्टली आपको जो फील हो रहा है वो बताएं। हाँ, काफी दिनों से सोच रही थी कि हमारे घर गणपति बनाएंगे, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और बहुत ही शांति और बहुत मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग। बहुत ही सारा वातावरण ही एकदम खुशमय हो गया है और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है सब जगह से। हमारे यहाँ गणपति आए हैं सुंदर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गणेश जी को खाने पीने का बहुत शौक है। हाँ। और आपका खाना बहुत टेस्टी बनता है, तो आप गणेश जी को क्या खिलाने वाली हैं, क्या क्या कुछ सोचा है आपने रफली? हाँ, मैंने सोचा है, आज तो मैंने खीर बनाई है और उनको ये मोदक खिलाए हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं और उनके 5 जो फेवरेट फ्रूट्स हैं वो दिए हैं, और हर रोज कुछ नया नया कुछ बनाऊंगी जिससे के लिए उनको खाना पीना पसंद है। हाँ। तो खुश हो जाएंगे हमेशा। ओ स्वीट, आप देखिए कितने प्यार से सुन भी रहे हैं वो सारी चीजें बांट के। गर्मा गर्म जो पूरियां हैं अब मैं उसे तल रही हूँ, साथ में चने जो हैं और खीर जो है वो है आज लंच का प्रोग्राम। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फूल रही है पूरियां, वाह मज़ा आएगा आज। गणेश जी की जो स्थापना है, जो पूजा है, बहुत अच्छे से हुई पूरी। जो हमने जो लंच वगैरह किया उसमें भी बहुत मज़ा आया। आपने ऑलरेडी देखा कि मैंने क्या खाया पिया एंड एवरीथिंग। और अब मैं जा रही हूँ मेरे दूसरे घर पे, वहाँ पे भी गणेश जी की स्थापना होने वाली है। वहाँ जाके मैं देखती हूँ स्थापना का जो प्रोसीजर है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि मोस्टली तो मम्मी मेरा वेट कर रही है कि मैं वहाँ जाऊँगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे। फिलहाल हम लोग निकले हैं और बड़ौदा में, वैसे अभी यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, बॉम्बे में काफ़ी भीड़ हो गई। ट्रेन का मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊँ तो हमें इतना डर लग रहा था ट्रेन में, क्योंकि आधे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और थोड़ा डर्टी सा फील हो रहा था, क्योंकि कोई भी कहीं भी कुछ भी छू रहा है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, आराम से सब जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ट्रेन का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था, इसलिए नेक्स्ट टाइम तो मैं यही कोशिश करूँगी कि जब भी आगे ट्रिप हो बाई कार हो या तो बाई फ्लाइट हो। बाबू मैं आ गया, कितने टाइम बाद आया। मीटिंग हिम आफ्टर अ मंथ। गणेश जी की स्थापना हो रही है, सुंदर बड़ी बड़ी आंखें लग रही हैं। हो गया क्या, हो क्या रहा है, हमने क्या किया जीन्स पे बताओगे? उसमें थाली स्लिप हो गई, बड़ी थाली रखी हुई थी, उसको हाथ से स्लिप मार गई इसलिए मम्मी का मूड ऑफ है। मम्मी का मूड ऑफ हो गया। भगवान के ये आशीर्वाद कहलाते हैं। भगवान ने पूरी थाली का वो किया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़। मेरी मम्मी क्या बना रही हो आप गणेश जी के लिए शाम में? अभी सेव पूरी बना रही हूँ उनके लिए। सेव पूरी तो सेम पूरी जो है वो गणेश जी के लिए बनाई जा रही है। आरती की सारी तैयारी जो है वो हो गई है। ये रहे हमारे क्यूट से गणेश जी और आज वो खाने वाले हैं
सेव पूरी, लड्डू उनके फेवरेट, एप्पल, केला, और यहाँ पे है मेरा ऑल टाइम फेवरेट पंचामृत। वाह। हेलो, देखिए मिस्टर नोनू को कितने प्यार से सोने में लगा है। हेलो मीला बेबी, हेलो स्वीटू। ये जो आरती है वो अभी हमने कर ली है, सब देख सकते हैं। ग्रीन वाली चटनी, मैश्ड पोटैटोज, प्याज, इमली की चटनी, बूंदी, बारीक सेम, ये जो है पानी पूरी के लिए है, पानी पूरी का पानी दोनों टाइप के, सेम पूरी का पूरा जो चीज़ें वो रेडी करिए। वाओ, तो ये जो सेम पूरी है वो रेडी है, मैं इसे ये खाने वाली हूँ अच्छे से। ओह थैंक यू मम्मी। आज है मेरा बड़ौदा में day 3 और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, बारिश हो रही है, और मैं बस अब इस मौसम को इन्जॉय करूँगी और पैकिंग करूँगी क्योंकि आज हमें फिर से जाना है बॉम्बे। आई होप आपको ये व्लॉग देख के मज़ा आया, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए और या आपके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।